दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं फिल्म जंग के बारे में। फिल्म जंग में स्टार कास्ट जो भी थे, चाहे वो मिथुन चक्रवर्ती, अजय देवगन या फिर आदित्य पंचोली, इन सभी स्टार्स की फीस कितनी थी? क्या मिथुन को ज़्यादा पैसे मिले थे या फिर आदित्य या फिर अजय को? और बाकी के स्टार कास्टों को कितने पैसे मिले थे, इस वीडियो में हम एक एक करके आइए जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि इस फिल्म का बजट कितना था और इस फिल्म ने कमाई कितनी थी और यह फिल्म हिट रही थी या फिर फ्लॉप। सबसे पहले बात करेंगे इस फिल्म के बजट के बारे में। इस फिल्म का बजट था 4 करोड़ रुपए और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था 6.3 करोड़ रुपए। इस फिल्म को 172 स्क्रीनिंग पर रिलीज किया गया था। यह फिल्म 19 अप्रैल 1996 को रिलीज की गई थी। अगर बात करें इस फिल्म के पहले दिन की कमाई की, तो इस फिल्म ने पहले दिन 60 लाख रुपए कमाए थे, वहीं पहले हफ्ते 3 करोड़ रुपए कमाई इस फिल्म ने की थी। आगे बढ़ते हुए अगर इस फिल्म के वर्ल्ड वाइड की बात करें, तो इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड में 9 करोड़ रुपए कमाए थे। अगर हिट और फ्लॉप की बात की जाए, तो यह फिल्म ना तो हिट रही ना ही फ्लॉप, यह फिल्म एक और इस फिल्म साबित हुई थी। अगर इसकी IMDb की रेटिंग की बात की जाए, तो इस फिल्म को IMDb की तरफ से 10 में से 3.9 की रेटिंग दी गई थी। इस फिल्म में अजय देवगन, मिथुन चक्रवर्ती, आदित्य पंचोली, सदाशिव पुरी जैसे कई दिग्गज नजर आए थे। इस फिल्म में टोटल 6 गाने थे, वहीं कुछ गानों को लोगों ने बेहद पसंद भी किया था। अब अगर बात करें इस फिल्म के स्टार कास्ट की फीस की, तो सबसे पहले हम बात करेंगे मिथुन चक्रवर्ती की पत्नी की भूमिका निभाने वाली एक्ट्रेस वाणी विश्वनाथ की, जिन्हें इस फिल्म के लिए मिथुन चक्रवर्ती की पत्नी के किरदार निभाने के लिए 65,000 रुपए दिए गए थे। वहीं अगर बात की जाए अजय देवगन की प्रेमिका का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस रंभा की, तो रंभा को इस फिल्म के लिए 1 लाख रुपए का नजराना पेश किया गया था। आगे बढ़ते हुए बात करें आदित्य पंचोली, जिन्होंने डबल रोल निभाया था उस फिल्म की, जो इनकी पत्नी रहती है जिनका नाम है सुजाता मेहता, इनको इस फिल्म के लिए 2 लाख रुपए का चार्ज दिया गया था। अगर बात करें इस फिल्म के मेन विलन यानी कि सदाशिव पुरी की, तो इन्हें इस फिल्म के लिए 4 लाख रुपए का चेक दिया गया है। बात की जाए अगर आदित्य पंचोली की, जिन्होंने इस फिल्म में राम और बिल्ला दो डबल रोल के किरदार निभाए थे, इन्हें इस फिल्म के लिए 8 लाख रुपए दिए गए थे। आगे बढ़ते हुए अगर हम बात करें अजय देवगन की, जिन्होंने मिथुन चक्रवर्ती के भाई का भी किरदार निभाया था इस फिल्म में, इन्हें इस फिल्म के लिए 26 लाख रुपए दिए गए थे। आगे बढ़ते हुए अगर हम मिथुन चक्रवर्ती की बात की जाए, तो इस फिल्म के लिए मिथुन चक्रवर्ती को 30 से 32 लाख रुपए दिया गया था। अब आपको इस फिल्म के थोड़े से फैक्ट भी बताना चाहूँगा। जैसा कि इस फिल्म में अजय देवगन के किरदार में पहले अक्षय कुमार को कास्ट किया जाना था, लेकिन अक्षय कुमार ने डेट ना देने की वजह से इस फिल्म में नहीं आ पाए। वहीं मिथुन चक्रवर्ती की जगह पर इस फिल्म में पहले संजय दत्त और अमिताभ बच्चन को भी कास्ट किया जाना था, लेकिन इन दोनों ने भी इस फिल्म में काम करने से मना कर दिया था। इसके बाद मिथुन चक्रवर्ती ने इस फिल्म के लिए आ गए और उन्होंने इस फिल्म में काम करने से राजी किया और इस फिल्म को कंप्लीट किया। और यह फिल्म आपको कैसे लगी थी, अपनी राय भी कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। फिलहाल तो इस फिल्म के लिए जो स्टार कास्ट थे, उन्हें कुछ इस तरह के फीस दिए गए थे।